तुमको दिखा रही हूँ कि लाला ना अगर खाते होते तो तुम नहीं खिलाती। ये लो पकड़ो पैसा, नहीं खाई लो ये लो पैसा पकड़ो, नहीं तो फिर दया का सागर सूखेगा तो पैसा भी नहीं पाओगी। पैसे के लिए कितनी लालची है देखो, दया का सागर सूखने के नाम पे पैसा तुरंत फट से पकड़ ली। हम चड्डियों खोल के दिखाई दे रहे हैं, खोल के दिखाई दे। पापड़ देखा फूल खाई रहा था ठंडा और पानी नींबू का रस ना, चड्डी में चोरा पैसा ले रहा जाए की दुकान पे बस। तुम्हारे के जैसे हाथ भर के जीभ वाले इंसान हम नहीं हैं। और हाँ, आप लोग को एक बहुत ही खुशखबरी की बात बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूँ। आज का ख्वाब मेरा क्या था, आज मुझे भैरव बाबा मिले थे। कोई माने या ना माने, हकीकत बता रहा हूँ, सपने में आज हमारे ख्वाब में भैरव बाबा मिले थे। और ये कुत्ते जो होते हैं भैरव बाबा की सवारी होते हैं। दोस्तों, चोरी करना बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही गंदी, बहुत ही घटिया बात है। तो दोस्तों चोरी, लेकिन फिर भी आदमी कभी कभी पेट के लिए चोरी करता है। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आइए आप लोग को आज कुछ नया खा दिखाते हैं और क्या होता है वो भी बताते हैं। हेलो समला जी, हेलो हेलो हेलो, वो चाट वाला जा रहा है, अगर खाने का इरादा हो तो बताओ। चाट? हाँ, चाट मैंने चाटने का मन कर रहा है। अंगूरी चाटोगी कि का कहते हैं कि प्लेट चाटोगी? चाट पापड़। चाट पापड़ तो माने चाट खाओगी कि झापड़ खाओगी कि पापड़ खाओगी? चाट खाओगी। चाट खाओगी तो चले दुकान पे चलोगी? वो खड़ा है बाहर में कि फिर क्या कहते हैं कि ऐसे नहीं जमेगा, साथ में चलोगी तब तो लेके आएंगे, नहीं तो नहीं खिलाएंगे। साथ में चलो, बोलो, चलो उठो जल्दी, उठो जल्दी, नहीं तो दया का सागर सूख जाएगा। बन गया, हम ऑर्डर दे दिए हैं पहले से ही। आओ जल्दी, चलो चलो उठो 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 जल्दी उठो उठो जल्दी उठो उठो उठो। हाँ चलो चलो चलो, चलो। भैया चाट बन गया है? हाँ पक्का बन गया है ना। ये देखिए जा ही रही हैं चाट खाने के लिए। जाओ जाओ खाई लियो, जाओ जाओ जाओ, तुम्हारे लिए देखो बना के रखे हैं एकदम बढ़िया सा स्पेशल चाट। जाओ तो भैया बढ़िया बनाया है ना आप? तो केवल चाट ही देते हैं कि तो क्या कहते हैं मतलब कि पापड़ ओपड़ सब है ना? हाँ तो फिर पापड़ ही खावा ही करेंगी, झापड़ तो नहीं खाओगी? अच्छा पापड़ खाओगी, चलो ठीक है। तो इनके बड़े स्पेशल बना था का भैया? अरे वाह, इनके लिए स्पेशल पापड़ बन रहा है, एकदम मन में लड्डू फूटा तो मुहिम पानी आएगी अब पापड़ के नाम पे। चलो खाओ, देखते हैं कैसे खाती हो, देखते हैं। ये शर्मा आई गई बेचारी, भाग गई घर में। भैया चलिए ठीक है, दीजिए, मात्र 10 रुपये का था तो चलिए ठीक है भैया, 10 रुपये का हम इनका चाट लिए हैं रुकवाली। चलिए ठीक, फिर मिलते हैं आपको आगे फिर कभी। ठीक चलिए, एक बार बाय तो कर दीजिए हमारे साथ। अरे तो अकेले अकेले खा रही हो, हमको नहीं पूछो? खाई लो, ऐसे भी हम खाते भी नहीं हैं, कहीं बाहर का कोई चीज़ नहीं तो कोई बात ही नहीं था। नहीं नहीं खाई लो, हमको खाना होता ना तो हम वही दुकान ही पे खाई लेते, तुम्हारे लिए वेट नहीं करते। यही लो पकड़ो पैसा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो खाई ले रही हो। हमको दिखा रही हो कि लाला ना अगर खाते होते तो तुम नहीं खिलाती। यही लो पकड़ो पैसा, नहीं खाई लो ये लो पैसा पकड़ो, नहीं तो फिर दया का सागर सूखेगा तो पैसा भी नहीं पाओगी। पैसे के लिए कितनी लालची है देखो, दया का सागर सूखने के नाम पे पैसा तुरंत फट से पकड़ ली। फिर हम भाई, हम भैया जितना भी कमाते हैं लाते हैं पूरा दे देते हैं, एक भी रुपया हमारे जेब में नहीं। झूठ बोला था, दुकान बजा के ठंडा पानी। भैया ये देख लीजिए, हमारा ई जेब में भी 1 रुपया नहीं है और ऐसे फ़ोन चालू है। देखिए अब ई वाले जेब में भी 1 रुपया नहीं है और ऐसे फ़ोन चालू रखने दीजिए, इसमें वाले में भी 1 रुपया नहीं है। अब इसके बाद और दिखाते हैं, और यहाँ वाला भी दिखाते हैं, यहाँ वाले में भी 1 रुपया नहीं है, देख लीजिए। अंदर से चोरा हुआ जेब चड्ढी में लगा रहा था तो चड्ढियों खोल के दिखाई दे रहे हैं, खोल के दिखाई दे। पापड़ देखा फूल खाई रहा था ठंडा और पानी नींबू का रस ना, चड्ढी में चोरा पैसा ले रहा जाए की दुकान पे बस। तुम्हारे के जैसे हाथ भर के जीभ वाले इंसान हम नहीं हैं, समझती हो? हम बहुत मतलब कि अलग वैरायटी के आदमी हैं, और उसको रखो मत, खाई जाओ नहीं तो आने तक उन लोग को एकदम नरम हो जाएगा। पलेट वाला ही के खाएंगी, चलो ठीक है खाई लो। दोस्तों मिलते हैं फिर हम लोग थोड़ी देर बाद। अच्छा हाँ एक बात और है, ये बताइए ये खा रही हैं
आम से नलका चलवाए रहे, देखिए इधर से पाइप लगा के हम उसको पेड़ में पानी लेके गए हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऐसे पाइप फैलाए हैं और उधर 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 वहाँ पे पानी जा रहा है। तो पानी ना चला होगा तो क्या कर मने खाएंगी ये? हाँ और का? काम करेंगे हाँ और का? भैया कमेंट में बताइएगा हम गलत कर रहे हैं कि ई गलत कर रही हैं, और यही के लिए हम लोग का बस ऐसे मनोरंजन हो जाता है। मम्मा पहले चलावा पानी लेके आवा, प्यास लगी पे। अरे हमारी मेहरारू को प्यास लगी है, चाट लिखती लाग था। लेकिन हम पानी लाएंगे भी तो कैसे, हमारे पास तो कोई बर्तन ही नहीं है। अपने मुँह से चलाते हैं, इनको दे देते हैं। मुँह से लेके आए हैं, मुँह से दे दे। तो और कैसे लाके दें, ये क्या कर रही हो? तो हम लालचने वाले इंसान नहीं, हमारे मुंह पानी आएगा, हमारे मुंह में पानी नहीं आएगा। अगर पानी आया चूने लगता, समझ रही हो, पानी तुम्हारे मुंह में आएगा। काहे कि ना हम एकदम जान लो कि अपनी आत्मा को संतुष्ट कर। हमारा शैतान सिंह आ गया, हम तो सोचे कि इसको आने में लेट होगा, लेकिन बड़े अच्छे मौके पे आए। दो 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 जल्दी उसको दो 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 दो। ओ वो 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 देवान छोड़ना मत, आधा तुम लोग ये काम किसके में से तोड़े हो? झूठ मत बोलो, इधर सामने आओ, सामने आओ। किस में से तोड़े हो? किसके पेड़ में का है? किसके पेड़ में का है? सच में बोलो, तोड़े हो कि गिरा है? गिरा। किसी ने दिया ना तुमको? ना। हाँ मुंह में से हाथ निकालो, ये गिरा था। लेकिन किसी में से तोड़ना मत, नहीं हम बहुत मारेंगे अगर किसी का मतलब किसी के पेड़ में से कुछ तोड़ोगे चोरी करोगे तो। दीदी करें जो काम गिरा तब गए। अच्छा दीदी कहें कि आम गिरा है, जाओ ले लो। चलो ठीक है दोस्तों, चोरी करना बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही गंदी, बहुत ही घटिया बात है। तो दोस्तों चोरी, लेकिन फिर भी आदमी कभी कभी पेट के लिए चोरी करता है, और अगर कोई मजबूर लाचार है उसको भूख लगी है तो खिलाना चाहिए, हर किसी का फर्ज है। अगर हमारे पास है तो हम कल की न सोचे उसको एक निवाला दे देंगे। और हाँ आप लोग को एक बहुत ही खुशखबरी की बात बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूँ। हाँ बेटा अनार लाएंगे, अभी पैसा नहीं, पैसा आएगा तो हम लाएंगे। हम आपको ये बता रहे हैं, रुको छन छन मत करो। ये मेन बात यह है कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था, यहाँ तक कि खाने का दिक्कत नहीं था, खाने का हो जा रहा था। और दिक्कत जो भी था हम सोचे कि इन लोगों को मतलब यहाँ पे है, अभी तो मात्र दो पिल्ले हैं, एक ये है एक ये है, ये दो ही हैं। और यहाँ पे हमारे पास इस समय पूरे पाँच पिल्ले हैं, पाँच पिल्ले हैं। और उस टाइम पे भी पाँच ही थे, छः थे, तो दो तो ख़त्म हो गए, मर गए। लेकिन उनको हम जब से खाना खिलाने लगे, हम ये सोचे कि हम खाएंगे तो उनको भी खिलाएंगे, और किस्मत में होगा भगवान देंगे तो ज़रूर हम पाएंगे, और जब हम पाएंगे तो उनको खिलाएंगे। तीन थी मतलब सात थे। तो मतलब कहने का कि अगर हम उनको खिलाने लगते हैं सच्चे दिल से, सच्चे मन से, अगर आप भी किसी बेजुबान को खिलाओगे भाई तो आपकी रोजी रोटी में बरकत होगी, आप लोग का मतलब कि उनके भाग्य से आपका धन दौलत बढ़ने लगेगा। अगर आपको नहीं यकीन है तो आप करके देखिए, आप जो भी धंधा बिजनेस कर रहे हैं आपके धंधे में बरकत नहीं होगा तो बताइएगा। आज का ख्वाब मेरा क्या था, आज मुझे भैरव बाबा मिले थे। कोई माने या ना माने, हकीकत बता रहा हूँ, सपने में आज हमारे ख्वाब में भैरव बाबा मिले थे। और ये कुत्ते जो होते हैं भैरव बाबा की सवारी होते हैं। तो चलिए ठीक है, चाहे झूठा हो या सच हो, लेकिन जो हकीकत है वही आप लोग को बता रहा हूँ। तो दोस्तों सिर्फ इतना कहेंगे कि कोई भी बेजुबान अगर आप लोग को मिलता है, या कोई भी इंसान अगर भूखा है, तो उसको अगर आप एक ही निवाला खिला देंगे तो कम से कम उसका कुछ भूख तो मिल जाएगा। अगर हो सके तो उसका एक टाइम का भोजन तो करवा ही दीजिए। ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का हर पल सुबह मंगलमय हो। आप लोग बहुत तरक्की करो और ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रहिए, हम भी थोड़ा सा जैसे आगे बढ़ रहे हैं बढ़ते रहेंगे। और इन लोगों को, ये तो एक गांव में था मिल गया है, लेकिन इन बाकी यहाँ के जो हैं उनको ये क्या बोलते हैं, गर्दन में पगहा मतलब बोलते हैं उसको नहीं लगाएं, क्यों कि इसको अगर नहीं बांध के रखेंगे तो और कुत्ते जो हैं इसको तोड़ देंगे। और बाकी जो यहाँ के कुत्ते हैं उनको कोई डर नहीं, उनको कोई तोड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो यहीं पर पैदा हुए हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।